बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू सुभान अल्लाह नज़ीन कुकिंग। में आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा। डेढ़ का तेल लिया, तेल गर्म होने बाद इसमें तीन बड़े साइज की प्याज काट के शामिल की और गोल्डन ब्राउन होने के लिए रख दी। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको एक पाव दही में हम पीस के रख दें। एक कप तेल डाला और एक किलो मुर्गी शामिल की। मुर्गी का कलर तब्दील होने तक उसे फ्राई किया। मुर्गी का कलर तब्दील हो गया, उसमें हमने साबुत गरम मसाला डाला और उसे भूना। एक टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और उसे भूना। हाफ टेबल स्पून पिसा मिर्चा शामिल किया। हाफ टेबल स्पून पिसा जीरा शामिल किया भुना। हाफ एक टेबल स्पून इसमें से धने शामिल की। हाफ टेबल स्पून इसमें नमक शामिल किया और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करा और भुना। मसाला मिक्स करने के बाद इसमें हमने एक कप पानी शामिल किया और इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख दिया ताकि हमारी मुर्गी गल जाए। पंद्रह मिनट गुजर चुके हैं, हमारी मुर्गी जो है गल चुकी है। अब जो हमने दही में प्याज पीस के रखी थी वो हमने इसमें शामिल करी और इसे भूना 5 मिनट के लिए। अब इसमें हमने पिसे हुए मसाले शामिल करे, जो ये हैं: आधी औतरी ली, आधा जायफल, 4 लौंग और 3 सब्ज इलायची पीस कर इसमें हमने शामिल करी और इसे 5 मिनट तक भूना। मजेदार था हमारा चिकन कोरमा तैयार है। इसमें हमने गार्निशिंग के लिए अदरक ऊपर से डाली। मजेदार सा चिकन कोरमा तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।